खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र आदर्श मध्य विद्यालय में मनचले किशोर ने हथियार के बल पर विद्यालय प्रांगण में घुसकर छेड़खानी करने का प्रयास किया। आधे दर्जन छात्राओं ने रोते बिलखते शिक्षक से शिकायत की। विद्यालय के शिक्षक एवं रसोइयों ने के द्वारा मनचले किशोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भाग निकला। इसी को लेकर विद्यालय में शिक्षा समिति की बैठक बुलाई गई और निर्णय लिया कि आरोपी पर कार्यवाही हो। शिक्षा समिति के निर्णय के कारण बेलदौर थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया है। आवेदन में बताया गया कि मध्याह्न भोजन काल में बाहरी लड़के मेन गेट कूदकर वर्ग 8 में घुसकर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया तथा गलत भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज धमकाते हुए हथियार के बल पर भाग निकला। उक्त आरोपी के साथ अन्य 4 लड़के थे। वहीं बुधवार को शिक्षा समिति के 2 सदस्य टीम ने विद्यालय में औचक निरीक्षण किया और बच्चे से पूछताछ, विद्यालय में कई कमियों के बारे में बताया, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी बेलदौर थाना अध्यक्ष मामले की छानबीन करने के लिए घटना स्थल पर ही नहीं पहुंचे। यहां तक बताया जाता है कि थाना प्रभारी के नकारात्मक रवि कारण ऐसी घटना आम बात हो गई है। हम जब विद्यालय इंटर किए तो देखे, पहले गए वहाँ, खाना पीना बच्चे का जो बनाया जा रहा है उस तरह की साफ सफाई तो हमको नहीं दिखाई पड़ा, है ना। और फिर जब हम क्लास में जा घूम घूम करके जब निरीक्षण करने लगे, देखने लगे, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आए हुए नहीं है क्लास में। बच्चे की कमी है यहाँ, टीचर लोग की पढ़ाई उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए बच्चे लोग के प्रति, उस तरह का नहीं है। ये देखा गया कि जैसे हम दिन आते थे तो सर लोग क्लास में नहीं मिलते थे, मगर आज आने पे क्लास में उपस्थित थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। एक घंटा इस पे अब सर लोग की कमी है, जब दूसरे विषय की घंटी लग चुकी है तो इनको निकल करके दूसरे टीचर को आना चाहिए, ये सबकी तो कमी दिख रही है। आपकी पत्नी शिक्षक के लापरवाही से हुआ, तो क्या ग्रामीण है, थोड़ा बहुत देखने आते हैं तो क्या कह सकते हैं। सुन विद्यालय के जो लड़के विद्यालय में छेड़छाड़ के उनके लिए आवेदन भी दिया गया, उनको कार्रवाई के लिए हाँ दिया गया, वो हम लोग के समक्ष में हुआ है, हम लोग खुद दिलवाए हैं। कार्रवाई हुई है अभी तक? जी अभी जानकारी नहीं मिली है कार्रवाई हुई है या नहीं, इसीलिए हम लोग अभी विद्यालय में उपस्थित हैं। आपका नाम? निवेदिता ठाकुर। और कुछ अगल बगल के बच्चे थे जो विद्यालय के बाहर के थे, वो आकर के जो है विद्यालय में उत्पात मचाने का प्रयास कर रहे थे, उसी के संदर्भ में हम लोग विशेष का मतलब कि बैठक करके कि इस पर नियंत्रण किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। उस पर क्या कार्रवाई होगा सर, जो लड़का इस तरह की घटना को अंजाम दिए, सुनते हैं कि देसी कट्टा भी दिखाया गया है छात्र का, इस पर क्या करना है? देसी कट्टा के विषय में तो सुना गया, अब हो सकता है कहाँ तक इसमें सच्चाई है नहीं है, तो उसके अभिभावक से, चूँकि वो बच्चे विद्यालय के नहीं हैं, इसीलिए हम कुछ जनप्रतिनिधि और VSS के मेंबर को बुला करके इस बात से अवगत करवाए कि समाज का सहयोग चाहिए ऐसे तत्वों के खिलाफ, ताकि मतलब कि विद्यालय सुचारू ढंग से चले और विद्यालय का जो है सो माहौल खराब ना हो सके। सर का परिचय? मैं माधव कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया बिहार से सुदर्शन कुमार।